तड़पने की इजाज़त है ना फरियाद की, घुट घुट के मर जाऊं यही मर्जी है मेरे सयाद की। जी हाँ मोदी जी, मुस्लिम कौम के साथ आपने कम जुल्म ढाए हैं, जो अब ये कश्मीर फाइल जैसी मूवी को प्रमोट कर दिया। सुनिए आप क्या कहते हैं अपने भाषण में। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश के भलाई के लिए होता है। जी हाँ, जो सत्य है उसे उसी स्वरूप में देश के सामने लाना चाहिए, यही देश की भलाई है। तो फिर 2002 के दंगों में जो कत्लेआम हुआ मुस्लिमों के साथ, उसे भी तो देश के सामने लाना चाहिए। 2002 के दंगों के लिए आपने जिस तरीके से क्रिया के ऊपर प्रतिक्रिया की थ्योरी दी, उसको भी तो देश के सामने लाना चाहिए। 2002 के दंगों में आपके आरएसएस के, बीजेपी के, बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के गुंडों ने जिस तरीके से मुस्लिम माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी, जिस तरीके से उनके गर्भ को चीर के एक बच्चे को हत्या कर डाली गर्भ के अंदर, वो भी तो सामने लाना चाहिए। जिस तरीके से एक पारसी परिवार की माँ ने अपने 8-10 बरस के बच्चे को आज तक वो ढूंढती है, और उसको भी तो सामने लाना चाहिए। अगर कश्मीर फाइल सामने लानी चाहिए थी और कश्मीर फाइल को आप प्रमोट करते हैं, तो क्यों मोदी जी, क्यों आपने परजानिया मूवी को रिलीज नहीं होने दिया? वो भी तो सत्य घटना पे आधारित थी, आपने क्यों उसको आज तक रिलीज नहीं होने दिया? उसमें भी तो एक माँ आज तक तड़प रही है अपने बच्चों के लिए, उस बच्चे को जिसने उसने अपने कोख से जन्म दिया, बड़ा किया, और उस बच्चे को उसने दंगे में खो दिया। ये भी सत्य बाहर आना चाहिए था। किस तरह के कांग्रेस के एमपी एहसान जाफरी साहब के गर्दन पे एक टायर लपेट के आपके गुंडों ने उन्हें आग के हवाले कर दिया, ये सत्य भी बाहर आना चाहिए कि किस तरीके से आपने लाशों के ढेर लगा दिए और कुएं में उनको डाल के सारे कुएं में आग लगा डाली। मोदी जी, सब सत्य बाहर आना चाहिए। और किस तरीके से आपको उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आपको कहा था कि राजधर्म अपनाओ, राजधर्म जरूरी है, नहीं पर आप राजधर्म करने नहीं आए हैं, आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने आए हैं। जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम करके आपने 2000 के दंगे भड़का के आपने सत्ता हासिल की, इसी तरीके से हिंदू मुस्लिम करके आप अमर पट्टा लिखवा देना चाहते हैं, भारत देश के इतिहास को बदल देना चाहते हैं। वाह रे वाह मोदी जी, आप भारत देश के प्रधानमंत्री हैं या फिर आरएसएस के फुल टाइम प्रचारक हैं, अभी भी चड्डी पहन के प्रचार करने निकल पड़ते हैं? अरे आपको कश्मीर फाइल के जरिए जब कश्मीरों की तकलीफें, दुख और प्रताड़ना और मुसीबतें दिखाई दे रही हैं, तो आपको ये भी दिखाई देना चाहिए कि उस समय वहाँ पे किसकी सरकार थी। किसी की सरकार नहीं थी, और उस समय मुफ्ती मोहम्मद सईद जब अपना सरकार नहीं चला पा रहे थे तो वहाँ पे गवर्नर का शासन था, और वो गवर्नर कौन था, वो आपका नुमाइंदा था, जिससे आपने बाद में भारतीय जनता पार्टी की टिकट दी जगमोहन को, और वो फिर वहाँ पे कैबिनेट मंत्री भी बने, और उस टाइम पे दिल्ली में वीपी सिंह की सरकार थी। माननीय मोदी जी, आपसे कहना चाहते हैं कि देश के हालात बहुत बदतर होते जा रहे हैं, लोगों के दिमाग में जहर भरते जा रहे हैं आप लोग, और आज आप लोग एक मानव बम की तरह लोगों को खुला छोड़ दिया है। आपने युवाओं के जहर दिमागों को जहर से भर डाला है, और वो दिन दूर नहीं, अगर यही परिस्थिति रही तो हमारा देश में गृह युद्ध में बदल जाएगा। संभालिए अपने आप को और संभालिए अपनी वाणी विलास और भाषणों को। मूवियों के ऊपर किसी तरह के कमेंट नहीं होने चाहिए, आपको तटस्थ रहना चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप किसी आरएसएस संघ के प्रचारक नहीं हैं। आज से मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि देश को बचा लीजिए, ये देश बहुत गलत तरीके से गलत दिशा में जाता जा रहा है। इस वीडियो के जरिए मैं सिर्फ एक ही संदेश देना चाहती हूँ मेरे तमाम देश के भाइयों बहनों से, कि राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, ये उनका काम है, ये उनका पेशा है, पर उनकी वजह से हमें किसी तरीके से अपने मन और विचारों में बदलाव नहीं लाना चाहिए। हम भारत देश के वासी हैं, और हिंदू मुस्लिम सिख इस